अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 40 प्लस एज में 25 प्लस का लगना अल्हम्दुलिल्लाह एक मिरेकल है, और आज ही वीडियो जनाब इसी के ऊपर है। इंस्टेंट आप अपनी लुक कैसे चेंज कर सकते हो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले एक जो है आपने हैबिट चेंज करनी है। सुबह उठने के बाद बिल्कुल कोई नींबू पानी नहीं पीना, मुझे पता है, ना ही कोई आपने स्मोल के छिलके खाने हैं और चिया सीड खाने हैं पानी के साथ। बिल्कुल आपने सुबह उठना है, जब फ्रेश होना है ना, ब्रश वगैरह करने के बाद आपने जनाब फेस पाउडर हल्का सा फेस के ऊपर लगा के उसके बाद टिंट लगाना है और अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है। सुबह सुबह थोड़ा फ्रेश होके प्लीज कबूल सूरत हो जाया करें। इस तरह जब मिरर में आप खुद को देखते हो, आपकी रूह पे भी इसका फर्क पड़ता है। जब आप खूबसूरत लग रहे होते हो तो आपका हस्बैंड भी आपको प्यार से देखता है, बच्चे प्यार से देखते हैं। ये सारी टिप्स ना आज 30-40 प्लस एज की मैं लेडीज को बता रही हूँ, इससे इतना फर्क आप में पड़ेगा। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रही हैं और आपने कुछ नहीं किया हुआ ना, अभी उठ के आप अपना फेस वॉश करें, थोड़े से रेडी हो जाएं, तो आप देखेंगे खुद को कितना एनर्जेटिक हम फील करते हैं। तो ये आपने अपनी एक तो हैबिट बना लेनी है। सेकंड नंबर के ऊपर कहीं जाते हुए भी जब ड्रेस चूज करती हैं तो ज्यादा एम्ब्रॉयडरी का और ज्यादा लाइट कलर मत चूज किया करें, थोड़ा सा डार्क किया करें। उसमें आप स्लिम भी लगते हो और प्रिंट हो तो बिल्कुल हल्का दुपट्टे के ऊपर, या जिस तरह भी आप मेरा ड्रेस देख रहे हैं इस तरह का हो, वी नेक पहना करें, इससे भी बड़ी स्लिम स्मार्ट लुक आती है। ड्रेसिंग इस तरह की जाहिर है हमारे यहाँ तो चलती है, तो इस तरह के ड्रेसेस ले लिया करें। इसके बाद शूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके, हमेशा पॉइंटी टो जो है ना ये शूज सेलेक्ट किया करें, ये बाहर आने जाने के लिए पहना करें, इससे थोड़ी सी हाइट ज्यादा लगती है, आप स्लिम लगते हो, खूबसूरत लगते हो। ज्वेलरी हमेशा कम से कम यूज करें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इयर रिंग्स जो हैं वो बड़े छोटे से पहने हुए हैं, तो इससे आपकी यंग लुक आती है। ये हम कहीं आने जाने के लिए भी बात कर रहे हैं, नहीं तो आप घर में भी अगर कर सकती हैं तो कर लिया करें। कम पहना करें, बहुत हैवी और जो है वो चले। अगर आपका कलर ड्रेस बहुत लाइट है तो उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लें, लेकिन अगर ड्रेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी और ये हुआ हुआ है तो हर चीज इतनी आपने हैवी नहीं करनी तो कि वो इनहेंस हो के कहते अगले बंदे के मुंह में आ रही हो, तो आपने लाइट सी पहनी है। अब मैं जिस तरह ज्यादा रिंग्स वगैरह पहनती हूँ, अच्छा एक रिस्ट वॉच पहन लिया करें, अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है, हल्का सा जो है ब्रेसलेट दूसरे बाजू में पहन लिया, तो इस तरह की लाइट सी ज्वेलरी जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है। बालों को हमेशा स्ट्रेट कर लिया करें, आपकी स्लिम लुक आती है इसके साथ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं सेट में तो एक्सटेंशन जरूर लगा लें। अगर आपको नहीं पता तो एक्सटेंशंस विद खानम लिखकर वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने काफी वेबसाइट्स भी बताई हुई हैं और एक्सटेंशंस को बड़ा करीब से दिखाया हुआ है, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं जनाब हम अपनी स्किन की तरफ, ऑर्गेनिक, खुदा के लिए ज्यादा केमिकल्स वाली चीजें स्किन के ऊपर मत लगाया करें, फॉर्मूला क्रीम मत लगाएं। ये उस टाइम पे चले आपको नहीं पता चलेगा, पता आपको उस टाइम इन चीजों का चलेगा जब आप 30 और 40 क्रॉस करते हो। मैंने अपने चैनल के ऊपर, बल्कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो मैंने आपको टिंट अभी बताया है या आपको मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि इसमें हाइलुरोनिक भी है जो कि आपकी रिंकल्स वगैरह को भी खत्म करता है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा यूज करें, नेल्स का भी आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है, आपके हैंड्स भी जो हैं वो आपकी एज बताते हैं। अगर आपके अच्छे ओरिजिनल नेल्स नहीं हैं तो कहीं आने जाने के लिए या खुद को अच्छा फील कराने के लिए जरूर फेक नेल्स जो हैं वो लगा लिया करें। इसका लिंक, इसके भी काफी वीडियोस हैं फेक नेल्स विद खानम लिखकर, वो भी सर्च करके देख लीजिएगा। और इसके बाद मेरे तीनों माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना वो सिजेरियन ऑपरेशन से हो गए। मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि अब जो है मैं काम नहीं करूंगी, मेरा तो सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, ये नहीं। मेरे हस्बैंड को ना एक्चुअली जरा वेट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं तो बस जब डिलीवरी होती थी उसके बाद फौरन से ना अपने वजन पे काम करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक आप लोग मिस्टेक करते हो जो कि मैंने नहीं की, मैंने क्यों नहीं की ये भी बताऊंगी। हमेशा जब डिलीवरी होती है तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ना बॉडी को ये फैट्स और पंजीरियां और हलवे ना खाना शुरू कर दिया करो डिलीवरी के टाइम। एक तो चाहे नॉर्मल हो चाहे, आजकल तो इतने एंटीबायोटिक्स बॉडी को दिए जाते हैं, पेशेंट को दिए जाते हैं, और साथ में आयरन की कमी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी को या उन स्टिचेस को हील करने के लिए फैट्स ज्यादा लेने शुरू कर देते हैं। हाँ इंस्टेंट हमें एनर्जी बिल्कुल मिलती है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डेट आप फ्रूट्स अपनी डाइट में ऐड करो, जूसेस ऐड करो और साथ आयरन की टैबलेट्स, नहीं तो साथ में मीट ज्यादा ऐड करो जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगा। आप यकीन करें आपकी 1 मंथ के बाद जब
आप ना आपको हेयर फॉल इतना ज्यादा होगा, उसके बाद माशाल्लाह आपका वेट जल्दी से रिड्यूस होगा। वरना फैट्स जो होते हैं उसकी क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं होती, बट हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए फैट्स लेने शुरू कर देते हैं जिसमें घी है। अच्छा, ड्राई फ्रूट से जो बनी हुई पंजीरी होती है ना वो भी अच्छी होती है, लेकिन उसकी बहुत कम क्वांटिटी ऐड करें, बहुत कम। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स जो है और सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, और जो टिंट मैंने बताया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनको अपनी डाइट में ऐड किया करें, जो कि मैंने किया था, और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा मसला ही नहीं हुआ। मैं तो 1 मंथ 2 मंथ के बाद मुझे कोई मिलता था तो मैंने छोटा सा बेबी उठाया, तो यकीन ही नहीं आता था कि भाई ये जो है ये सिजेरियन ऑपरेशन के साथ इनकी डिलीवरी हुई। हमारा फायदा यहाँ से हो गया कि हमारे अबू शुरू से ही ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा यूज करते थे, हमें तो कोई फार्मूला क्रीमों का पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है। यकीन माने, एक मैं कितनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक मॉइस्चराइजर आता था बड़ा उस टाइम का, एक फेमस होता था, और वो हमने सारी उम्र लगाया है। जब मेरी शादी हुई तो आप लोग देखें कि मेरे बाल कितने हेल्दी थी। सबसे ज्यादा बेस्ट बात ये थी कि हमारे घर में हेल्दी डाइट यूज होती थी, मतलब घर की डाइट होती थी। हमें कोल्ड ड्रिंक भी अलाउ नहीं थी, हम पी नहीं थे सकते, अगर जिस दिन पी लेते थे ना उस दिन बस फेंटी हमारी तैयार होती थी, मतलब इतनी सख्ती थी हमारे घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी बल्कि शादी हुई, मैंने आप लोगों के साथ अपना वेडिंग का जो एल्बम है वो शेयर किया है कि मेरे बाल माशाल्लाह से कितने हेल्दी थे, हमारी स्किन इतनी हेल्दी होती थी, कोई सनब्लॉक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था होता, पूरा दिन स्कूल और कॉलेज में भागना होता था। तो डाइट जब आप अपनी अच्छी कर लोगे ना तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी कि ऊपर से कुछ लगाना है तो मॉइस्चराइजर लगाना है तो स्किन को नॉरिश करना है, तो ये वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं एक टिप बता रही हूँ, बहरहाल अगर आपके पास फैसिलिटी है, आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपनी डाइट पे पैसे इन्वेस्ट कर दें। घर में अच्छा खाना पका हुआ होता है तो ये बाहर की जंक फूड ये ना लिया करें, मोबाइल कम से कम यूज किया, अपने बॉडी पोस्चर पे सबसे ज्यादा त्वचा दें। सारा दिन जो गॉसिपिंग वगैरह होती रहती है ना फोन के ऊपर, सर बांध के लेट गया, आज तो मेरे बड़े सर में दर्द है, उसकी सुनी, थोड़ी उधर से बातें की, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम टाइम लगाएं, ठीक है। थोड़े से एक्टिव रहें, अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा सा स्ट्रेट रखें, और इसके अलावा अपनी नींद पूरी लिया करें, बहुत इन चीजों का आपके ऊपर असर पड़ता है। और अभी ये मोबाइल थोड़े ज्यादा यूज होने शुरू हुए हैं तो हमारी भी नींद थोड़ी सी खराब हुई है, वरना तो अब 9 बजे यकीन करो सुला देते थे। जब मेरी शादी हुई हमारे घर के काम हम लोगों ने खुद करने होते थे, कोई मेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बंदा 10 बजे लेटता था और 15 मिनट बाद होश ही नहीं होती, इतनी गहरी नींद आती थी, सुबह जाके आंख खुलती थी, तो उस टाइम तो जाहिर है बॉडी इतनी थकी हुई होती थी। तो अब ये मेड्स हैं, अब मोबाइल्स में लगी हुई हैं रात को 2-2 बजे तक, तो वो फिर नींदें खराब, फिर आंखों के गिर्द हल्के, फिर झुरियां, ये वाली चीजें जो हैं ये तो अब 2 सालों से ना बहुत ही ज्यादा हो गई हैं। बस इसमें क्या हुआ है, इसमें चांदी हो गई है इन सारे ब्रांड्स की जो ये चीजें बना रहे हैं। ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा यूज किया करें, इससे रिंकल्स खत्म होती हैं। मैंने पीछे हार्डली एक विटामिन ई सीरम का जो है ऑयल का रिव्यू दिया था, मैं बहुत ज्यादा वो यूज करती हूँ, कोकोनट ऑयल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विटामिन ई ऑयल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टिंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आपने जरूर ऑर्डर करना है। जिस जिसको ये मसले हैं ये अपनी ऐड करें, ठीक है, अपनी चीजें ऑयल कोकोनट ऑयल सर पे लगाना है, ठीक है, और विटामिन ई ऑयल, या अगर साथ करें कि आमंड ऑयल भी कर ले, ठीक है, उन्हें स्किन के ऊपर लगाकर हल्का सा मसाज जरूर किया करें। जब भी स्किन के ऊपर लगाया करें ना, ऊपर को हल्का सा मसाज किया, फेस जब भी वॉश करना है टॉवल के साथ ऊपर को किया करें। ये छोटी छोटी चीजें आपने अपनी हैबिट बना लेनी है, ये मेरी हैबिट रही है हमेशा से, तो अल्लाह का शुक्र है अब भी थोड़ी तैयार श्यार हो जाओ तो कम ही एज की लगती हूँ। अच्छा, और एक्सरसाइज और जिम जाने को मैं नहीं कंसीडर करती, मैं कहती हूँ कि हर औरत के लिए घर का अगर वो काम कर लेती है ना, एक दफा पोचे ही लगा देती है ना, तो वो भी उसके लिए काफी हो जाता है। तो और अपनी डाइट पे थोड़ा सा ख्याल किया करें, ज्यादा फैट्स मत खाया करें, जंक फूड मत खाया करें, तो बाकी तो कोई मसले ही नहीं है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई हुई है कि वो हमारे पे जितने फराइज या वो है हम वही पूरी कर ले तो हमारे जो है वो वेट कंट्रोल में रहता है। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बताऊं। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।